अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल आईटी एक्सपर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डीक्यू। डीक्यू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, फिर एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू इस वजह से है कि हम इंसर्शन फ्रंट से भी करा सकते हैं, इंसर्शन हम बैक से भी करा सकते हैं, डिलीशन हम फ्रंट से करा सकते हैं, डिलीशन हम बैक से भी करा सकते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा एडेड और रिमूव फ्रॉम बोथ एंड। हम इंसर्शन फ्रंट से भी करा सकते हैं, बैक से भी करा सकते हैं, डिलीशन फ्रंट से भी करा सकते हैं, बैक से भी करा सकते हैं। आइटम कैन नॉट एडेड और डिलीटेड इन द मिडल ऑफ द क्यू। ये मेरी क्यू है, इसमें मैं मिड में ऐड कर सकता हूँ किसी एलिमेंट को, ना रिमूव कर सकता हूँ। डी क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो फिफ ऑपरेशन। डी क्यू फॉलो नहीं करता फिफ ऑपरेशन। ये मेरा क्यू है, क्यू में इंसर्शन में फ्रंट से भी करा सकता हूँ, बैक से भी करा सकता हूँ। डिलीशन मेरा फ्रंट से हो रहा है और डिलीशन मेरा बैक से भी हो रहा है। फ्रंट मेरा वन इंडेक्स पेयर है और मेरा रियर जो है थ्री इंडेक्स पेयर है। टाइप्स ऑफ डी क्यू, टू टाइप्स ऑफ डी क्यू की, क्योंकि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट में हम कराते हैं इंसर्शन वन एंड से होती है और डिलीशन बोथ एंड से होती है। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, डिलीशन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन फ्रॉम बोथ एंड। बेसिक ऑपरेशन आ गया डी क्यू के, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट, इंसर्शन from back, deletion from front, deletion from back. Point of DQ, when item is added at front of DQ, front is decreased by 1. Second point, when item is added at back of DQ, back is increased by 1. When item is removed at front of DQ, front is increased by 1. Fourth point, when item is removed from back of DQ, back is decreased by 1. If F and R are equal, it indicates only one value. Sixth point, after deleting the last item, the value of F and B are set to -1. It indicates DQ is empty. ये मैंने algorithm लिख दिया DQ का। Four is the basic operation, insert front, deletion front, insert back, delete back. First of all, front is equal to 0 and rear is equal to n-1. And जो हमारा maximum size of array होगा, front is equal to r+1. जो हमारी ये condition true होगी, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ओवरफ्लो नहीं होगा, कंडीशन चेक होगी। एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू n-1, एन हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एरे है, हमारा फ्रंट डिक्रीज हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू f-1। क्यू एफ इज इक्वल टू आइटम, डिलीट फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू -1। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए, हमारा फ्रंट इक्वल हो जाए -1 की, अंडरफ्लो हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम इस कंडीशन में आ जाएंगे। If f is equal to r, set is equal to f is equal to -1, r is equal to -1. जब हमारी क्यू एम टी होगी तो हमारा फ्रंट और रियर -1 होगा। कंडीशन चेक होगी, else फ्रंट इज इक्वल टू n-1, एंड जब हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एरे होगा, सेट कर लेंगे फ्रंट इज इक्वल टू 0, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। इसमें फ्रंट इंक्रीज हो जाएगा, डिलीट फ्रंट में हमारा फ्रंट इंक्रीज हो रहा है, इंसर्ट फ्रंट में हमारा फ्रंट डिक्रीज हो रहा है। इंसर्ट बैक, फ्रंट इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक होगी रियर इज इक्वल टू n-1, एंड हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एरे होगा फ्रंट इज इक्वल टू r+1। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, केस टू में आएंगे, फ्रंट इज इक्वल टू -1, सेट फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक होगी रियर इज इक्वल टू n-1, एंड हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एरे हो जाएगा, एल्स रियर इज इक्वल टू रियर +1। इसमें हमारा रियर इंक्रीज हो जाएगा, इंसर्ट बैक में, डिलीशन बैक में हमारा रियर डिक्रीज हो जाएगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, जब हमारा फ्रंट इक्वल हो जाए -1 के, अंडरफ्लो हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है, अगर हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा तो प्रोग्राम इधर ही एग्जिट हो जाएगा। सपोज फॉल्स हो रही है, फ्रंट इज इक्वल टू आर, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, सेट हो जाएगा फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1, कंडीशन चेक होगी आर इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू n-1, एंड हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एरे है, एल्स अगेन कंडीशन चेक होगी रियर इज इक्वल टू रियर -1। डिलीट बैग में हमारा रियर डिक्रीज हो जाएगा, इंसर्ट बैग में हमारा रियर इंक्रीज हो जाएगा, डिलीशन फ्रंट में हमारा फ्रंट इंक्रीज हो जाएगा और इंसर्ट फ्रंट में फ्रंट डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको इंसर्शन बैक और डिलीशन बैक करा के दिखाऊंगा। इंसर्शन फ्रंट और डिलीशन फ्रंट आपने खुद करनी है। इंसर्शन फ्रॉम बैक, ये मेरा क्यू है, इसका मैक्सिमम साइज ऑफ एरे जो है 9 है। जब मेरा क्यू एम्प्टी होगा, मेरा फ्रंट और रियर जो है -1 हो जाएगा। जब मैंने
ए स्टोर किया, मेरा फ्रंट 0 हो गया और रियर 0 हो गया। रियर की जगह हम बी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने एल्गोरिथम यूज़ किया है ये वाला, रियर इज इक्वल टू एन माइनस वन। जब आपने नोट करके आगे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ। रियर इज इक्वल टू एन माइनस वन, जीरो इज इक्वल टू एन माइनस वन, जीरो नॉट इक्वल टू एट, कंडीशन फॉल्स हो गई है। सो नॉट ओवर फ्लो, रियर इंक्रीज हो जाएगा, रियर प्लस वन हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू 0 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब हम इंसर्ट करा सकते हैं, बी करा लिया, मेरा फ्रंट जो है 0 हो गया, रियर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं नेक्स्ट में सी इंसर्ट करा के दिखाऊंगा, रियर इज इक्वल टू एन माइनस वन, रियर जो है मेरा 1 था, रियर इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 1 नॉट इक्वल टू 8 हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी। सो नॉट ओवर फ्लो, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर मेरा 1 था, 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब मेरा रियर 2 हो गया, फ्रंट मेरा 0 है, फ्रंट रिमेन सेम रहेगा। अब मैंने इंसर्ट करा लिया सी, अगेन मैं कंडीशन चेक करूंगा, रियर इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब मेरा रियर 2 है, 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 2 नॉट इक्वल टू 8, कंडीशन फॉल्स होगी। सो नॉट ओवर फ्लो, रियर इंक्रीज हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब मैं अगेन इंसर्ट करा लूंगा, अब मैंने डी इंसर्ट करा लिया, मेरा रियर जो है 3 हो गया, फ्रंट रिमेन सेम रहेगा, फ्रंट इज इक्वल टू 0। अब मेरा रियर 3 हो गया था, रियर मेरा अगेन इंक्रीज हो जाएगा, मैं इंसर्ट करा सकता हूँ, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर मेरा 4 है, 4 + 1 इक्वल टू 5 हो गया। सिमिलर फॉलो मेथड अनटिल दे फील्ड फॉल्स, हम तब तक इंसर्ट करा सकते हैं जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। 8 = 8 होगी तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम इंसर्ट कुछ नहीं करा सकेंगे अपना आइटम। अब रिमूव फ्रॉम बैकअप डी क्यू देख लेते हैं, और मैं डिलीशन बैक करा रहा हूँ इस एल्गोरिथम की हेल्प से। ये मेरे एरे का मैक्सिमम साइज जो है 9 है, इसे मैंने स्टोर करा लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मैं इसको रिमूव कराऊंगा इस तरह, जिस तरह इधर आई था, आई रिमूव हो गया, ये मेरा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंडरफ्लो हो जाएगा, फ्रंट मेरा 0, 0 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स होगी। सो नॉट अंडरफ्लो, अब ये चलेगी कंडीशन, रियर इज इक्वल टू एन माइनस वन, रियर इज इक्वल टू एन माइनस वन, रियर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब डिलीट हो जाएगा, सो डिलीटेड जो 8 में स्टोर था वो मैंने डिलीट करा लिया, तो डिलीट हो गया। अगेन मैं चेक करता हूँ, फ्रंट इज इक्वल टू -1, 0, 0 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स हो गई है। सो नॉट अंडर फ्लो, अगेन कंडीशन चेक होगी, रियर इज इक्वल टू रियर -1, रियर मेरा 7 था, 7 - 1, रियर इज इक्वल टू 6, अब मेरा रियर 6 आ जाएगा। इधर एच स्टोर था, अब एच रिमूव हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, एच मेरा रिमूव हो गया। अब मेरा रियर जो है 6 हो गया, फ्रंट मेरा रिमेन सेम रहेगा 0। अगेन मैं चेक करूंगा, फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा अंडर फ्लो हो जाएगा, 0 = -1, मेरा फ्रंट 0 ही है। सो नॉट अंडर फ्लो, रियर इज इक्वल टू 6 - 1, रियर इज इक्वल टू रियर -1, रियर मेरा जो है 6 है, रियर इज इक्वल टू 6 - 1, रियर इज इक्वल टू 5 हो गया, फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 5। सिमिलरली फॉलो सेम मेथड अनटिल दे फील्ड फॉल्स, जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हम डिलीट करा सकते हैं अपने एलिमेंट्स। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ जाएगा डीक्यू का। अगर ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।